please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या कोई पत्थर लोहे को पिघला सकता है? सोशल मीडिया का दावा है कि म्यांमार में एक जादुई पत्थर मिला है, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को भी पिघला देता है। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं, प्रकृति के करिश्मे का दावा कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में देखिए लोहे और पत्थर के बीच कौन जीतता है, ताकत की जंग। दिखने में एक साधारण काला पत्थर, लेकिन इस पत्थर की शक्ति बिल्कुल साधारण नहीं है। महज 5 सेकंड के अंदर पत्थर के आगे ढेर होने लगी लोहे की एक कील। सिर्फ 1 मिनट के भीतर पिघल गई लोहे की कील। एक वायरल मैसेज का दावा है कि म्यांमार में पाया गया ये चमत्कारी पत्थर अपनी ताकत से लोहे को भी पानी कर सकता है। म्यांमार में मिला जादुई पत्थर जो कि लोहे को भी पिघला सकता है, चमत्कार देखिए। म्यांमार का लोहा खाने वाला पत्थर एक सिपाही को मिला। सिपाही ने अपनी बंदूक इस पत्थर के पास रखी और वो पिघल गई। लेकिन वायरल वीडियो को देखते ही जहन में सबसे पहले एक सवाल उठता है, ये कैसे कहा जा सकता है कि पत्थर पर पिघल रही कील लोहे की ही है? क्या पता कील किसी और धातु से बनी हो। लोहा एक ऐसी धातु है जो आसानी से नहीं पिघलती। इसे पिघलाने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। वायरल वीडियो में जादुई पत्थर के आगे लोहे की कील चुटकी बजाते ही पिघल गई, यानी पत्थर से भी 1538 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तो निकल रही होगी। लेकिन पेच यहाँ ये है कि इंसानी शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही शरीर सूरज की 40 डिग्री सेल्सियस की तपिश में ही सूखने लगता है। अगर ये पत्थर 1538 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा कर रहा है तो इसके पास आदमी फटक तक नहीं सकता। ये वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात है, इतनी गर्मी में तो कैमरा भी जलकर खाक हो जाएगा। अब दूसरी मजेदार बात समझिए, वीडियो में दिख रहा काला पत्थर दिखने में बासाल्ट लग रहा है। बासाल्ट ज्वालामुखी के लावे से बना पत्थर होता है, लेकिन ये तो खुद 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। ये पत्थर तो 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने वाले लोहे को पिघलाने तक खुद ही पानी पानी हो चुका होगा। जब लोहा पिघलता है तो वो धधकते लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि उसे पिघलाने के लिए बहुत तेज गर्मी की जरूरत होती है। लेकिन वायरल वीडियो में लोहे की बताई जा रही कील पिघलने पर भी बिल्कुल सिल्वर रंग की है, जिस रंग की वो पिघलने से पहले थी। अब सवाल ये है कि वायरल वीडियो में पत्थर पर पिघलती कील लोहे की है भी? क्या ये मुमकिन है कि कोई पत्थर लोहे जैसी मजबूत धातु को पिघला दे, या वाकई वायरल वीडियो में कोई खास तरह का पत्थर है? वायरल वीडियो की गुत्थी को सुलझाने के लिए हम रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसरों से मिले। वायरल वीडियो को देखते ही दोनों प्रोफेसरों ने सीधे तौर पर कहा कि वीडियो में लोहे की कील ही नहीं है। कई सारे प्रकृति में ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे गैलियम है जिसका करीब 30 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक है। तो ऐसे बने हुए कील अगर आप पत्थर क्या आप अगर आप हाथ में रख दें, वो तापमान अगर शरीर के तापमान से अगर वो कम है गलनांक उसका, तो आपके हाथ में पिघलने लगेगा। ऐसा कोई पत्थर प्रकृति विद्यमान नहीं नहीं है जो मतलब आयरन से बने या स्टेनलेस स्टील धातु जैसे एलॉय से बने कोई चीज को वो पिघला सके। आयरन का नेल्सो उसका गलनांक करीब करीब वही 1200-1800 डिग्री सेल्सियस होता है, तो और पत्थर का कम होता है उससे, तो उसको मतलब नेल्स गलने के पहले पत्थर ही गल जाएगा ना, ऐसा टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो में पत्थर पर पिघल रही कील लोहे की नहीं बल्कि गैलियम से बनी हो सकती है। गैलियम सिल्वर रंग की एक धातु है जो शीशों और एलईडी में इस्तेमाल होती है। सामान्य तापमान पर गैलियम ठोस होता है, लेकिन जरा सी तपिश इसे पानी बना देती है। गैलियम इतना संवेदनशील होता है कि इंसान के हाथ की गर्मी से ही पिघलने लगता है। सिर्फ 29.7 डिग्री सेल्सियस में ही गैलियम पिघल जाता है। अब धूप में रखे पत्थर का तापमान इतना तो रहा ही होगा,
चूंकि ठोस गैलियम और पॉलिश किया हुआ लोहा सिल्वर रंग के ही होते हैं, इसलिए एक नजर में देखने में इनमें फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। म्यांमार में मिला ये पत्थर बिल्कुल मामूली है, इसमें लोहे को पिघलाने की ताकत नहीं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में जादुई पत्थर के लोहे की कील को पिघला देने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। हिंदू धर्म में यज्ञ का श्रेष्ठ स्थान है, देवी देवताओं के आह्वान के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए किया गया एक यज्ञ हादसे का सबब बन गया। पूरी यज्ञशाला ही जलकर राख हो गई। आखिर कैसे हुआ यज्ञ में यह हादसा? चंद सेकंड में आग की लौ ज्वाला बन गई। जिस यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों के जाप से सृष्टि की खुशहाली की प्रार्थना की जा रही थी, वो ही आग की लपटों में झुलस गई। पूरी यज्ञशाला ही अग्नि में स्वाहा हो गई। सोशल मीडिया का दावा है कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए किया गया यज्ञ सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य लेकर आया। यज्ञ के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, हादसे को न्योता ना दें। सबसे पहला सवाल तो यही था कि ये यज्ञ हो कहां रहा था? भला इतना बड़ा यज्ञ ज्वलनशील घास फूस से बने छप्पर के नीचे क्यों किया जा रहा था? हमने पड़ताल की तो पता चला कि वायरल वीडियो में कोई मामूली यज्ञ नहीं हो रहा। इस यज्ञ का नाम है अतिरात्र। मानव जीवन की खुशहाली के लिए किया जाने वाला अतिरात्रम हिंदू धर्म का महायज्ञ है। ये पृथ्वी का सबसे पुराना धार्मिक संस्कार है। अतिरात्रम आज से 4000 साल पहले वैदिक काल में होता था, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि हाल के वर्षों में ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। अतिरात्रम की तैयारी करने में ही 6 महीने लग जाते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज खुद तैयार की जाती है, कुछ भी खरीदा नहीं जाता। लकड़ी का सामान, मिट्टी के बर्तन खास तौर पर बनाए जाते हैं। 1000 से ज्यादा ईंटों से 5 स्तर का हवन कुंड तैयार किया जाता है। इस हवन कुंड का आकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जैसा होता है, और कहते हैं कि अतिरात्रम के दौरान अगर गरुड़ दिख जाए तो यज्ञ सफल हुआ। अतिरात्रम की अग्नि भी बेहद खास होती है। ये जलाई नहीं जाती बल्कि उत्पन्न की जाती है। अरणि मंथन का सिद्धांत हमारे यहाँ शास्त्रों में है। अरणी जो है वो देवदार वृक्ष की जो काष्ठ होती है उसको विशेष मुहूर्त में विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए जो पारंपरिक याज्ञिक जिन्हें हमें कहते हैं अग्निहोत्री हम जिनको कहते हैं, वो उस काष्ठ को एकत्र करते हैं, उसकी अरण्या बनती है। अरणी का मंथन करके घर्षण करके अग्नि उत्पन्न की जाती है। 12 दिनों तक दिन रात लगातार यज्ञ चलता है। केरल के खास नंबूदरी पंडित ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वास्तु के आधार पर उस जगह पर यज्ञशाला बनाई जाती है जहां सूर्य की ऊर्जा सीधे आत्मसात हो सके। इतने सख्त नियमों की वजह से कई सालों तक अतिरात्रम हुआ ही नहीं, लेकिन साल 1975 में यूरोप के एक इंडोलॉजिस्ट फ्रिट्ज स्टाल ने इसे फिर से शुरू कराया। केरल के पान्याल में हुए इस अतिरात्रम के बाद पूरे विश्व भर में इसकी ख्याति फैल गई थी। आखिरी बार विशाल अतिरात्रम साल 2011 में हुआ था, तब इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का खर्च आया था। इस यज्ञ को लेकर एक वैज्ञानिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक
यज्ञशाला के पश्चिमी तरफ उगाई गई लोबिया, हरी मूंग और चना दूसरी तरफ के मुकाबले कई गुना तेजी से उगे। चना तो करीब 2000 गुना तेजी से उगा। और तो और यहाँ मिट्टी और पानी में कीटाणुओं की संख्या भी कम आकी गई। पिछले महीने ही आंध्र प्रदेश के पेड्डापुरम में अतिरात्रम हुआ था, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रही इतनी बड़ी अग्नि की ज्वाला का क्या? तो हम आपको बता रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि अतिरात्रम में अग्नि की ज्वाला को इतना तेज प्रज्वलित किया जाता है। मान्यता है कि इस तेज ज्वाला से बना आग का गोला अंतरिक्ष में सूर्य को घेर लेता है और इसकी ऊर्जा सीधे उस जगह पहुंचने लगती है जहां यज्ञ किया जा रहा है। यहां पर ये सिद्धांत है कि ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी यज्ञशाला को ही एक अग्नि का धूम पैदा करके और एक अग्नि को दूत रूप में आकाश की तरफ ऊर्ध्वगामी करके पूरी यज्ञशाला को उसमें समाहित कर दिया जाता है और वो अग्नि उसमें अपने आप में समाहित कर लेता है। अतिरात्रम में इस्तेमाल की गई कोई भी सामग्री दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है, सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है। आखिरी दिन तो यज्ञशाला भी जला दी जाती है। वायरल वीडियो में यज्ञ के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ है, अग्नि की ये ज्वाला अतिरात्रम का हिस्सा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यज्ञ के साथ खिलवाड़ करने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। वाराणसी में एक निर्माणाधीन पुल गिरा और 15 जिंदगियां तबाह हो गई, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि प्रशासन ने उस हादसे से कोई सीख नहीं ली है। यूपी की ही दूसरी धार्मिक नगरी इलाहाबाद में एक नाले का निर्माण चल रहा है और प्रशासन ने नाले के निर्माण में जो बीम जाल बिछाया है उसमें बांस का इस्तेमाल किया गया है। लोहे की जगह बांस का इस्तेमाल कर क्या उत्तर प्रदेश में एक और हादसे को न्योता दिया जा रहा है? जुगाड़ के क्या कहने, एक नाले के निर्माण के लिए बीम जाल में सरिये के साथ बांस की जुगलबंदी की गई। सोशल मीडिया का दावा है कि उत्तर प्रदेश के लंबे चौड़े निर्माण कार्य बांस पर टिके हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि सरिया खरीदने के पैसे कम पड़ गए थे या अधिकारी ही नाला निर्माण का फंड खा गए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। इलाहाबाद में नाले के निर्माण में सरिये की जगह बांस बीम जाल में प्रयोग हो रहा है। सवाल ये है कि बांस का एक डंडा हजारों किलो का वजन कैसे उठा पाएगा? अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन फिर सवाल ये भी है कि ये दावा कैसे किया जा रहा है कि वायरल तस्वीर में इलाहाबाद में बन रहा एक नाला है। ये भी तो हो सकता है कि किसी और जगह की तस्वीर को इलाहाबाद की बताकर उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। वायरल मैसेज में दावा इलाहाबाद का था, तो हम बांस से बने इस नाले की तलाश में सबसे पहले इलाहाबाद ही पहुँचे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों की तस्दीक हमने इलाहाबाद के कई इलाकों में की, लेकिन इस तरह की तस्वीर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली। हालांकि इलाहाबाद में करोड़ों रुपए का कुंभ मेले का कार्य चल रहा है, लेकिन इस तरह की तस्वीर वहां भी हमको कहीं देखने को नहीं मिली। जहां जहां बिम डाले गए हैं, बिम के बगल में आप देखिए, बिना लकड़ी के, बिना शटरिंग के बिम पड़ेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया होगा, शटरिंग किया होगा, डाल दिया कि देखो बांस काम हो रहा है। ये गलत है, कार्य बिल्कुल ग्रोता से हो रहा है, हम खुद राउंड मारे हैं। लेकिन कोई गुंजाइश ना रह जाए इसके लिए हमने इलाहाबाद के जिलाधिकारी सुहास एल वाई से भी बात की, मगर उन्होंने जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ये तस्वीर कहाँ की है मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिहाजा अब हमने इंटरनेट की मदद ली। पड़ताल के दौरान हमें ये तस्वीर तो मिली, लेकिन इसके साथ इलाहाबाद का नाम नहीं जुड़ा था। कोई इसे इंजीनियरिंग में भ्रष्टाचार का नाम दे रहा था, तो कोई इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन इस तस्वीर को इलाहाबाद का किसी ने नहीं बताया।
इसके बाद ये तस्वीर हमें विदेशी भाषा में लिखे एक ब्लॉग पर मिली। हमने गूगल ट्रांसलेटर की मदद ली तो पता चला कि ये वियतनामी भाषा में लिखा गया है। इस ब्लॉग में बांस की मजबूती गिनाते हुए निर्माण कार्य में उसके इस्तेमाल को बेहतर विकल्प बताया गया है। हमने इंटरनेट पर बांस के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने की छानबीन की तो हमें कुछ रिसर्च मिली। इन रिसर्च में ये माना गया है कि बांस अपनी खोखली और नलेदार बनावट की वजह से बेहद मजबूत होता है। इतना मजबूत कि तेज हवाओं के आगे भी डटा रहता है। कुछ रिसर्च में तो बांस को स्टील से भी ज्यादा मजबूत बताया गया है। लेकिन बांस एक इमारत के हजारों किलो के बोझ को कैसे सह पाएगा, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। बांस तो कंक्रीट के संपर्क में आकर सड़ने लगेगा। दुनिया भर में हुई इन रिसर्च के दावों का दम जानने के लिए हमने सिविल इंजीनियरों से बात की। पुराने जमाने में ऐसा होता था, पुराने जमाने में जो बैम्बू रिइंफोर्समेंट का प्रयोग करते थे लोग, लेकिन जहाँ भी हैवी स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए आपको माइल्ड स्टील सरिया ही यूज़ करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं तो स्ट्रक्चर्स के गिरने की संभावना हो सकती है, स्ट्रक्चर क्रैक हो सकता है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। जहाँ भी हैवी स्ट्रक्चर्स का यूज़ हो रहा है और जो आपको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से बीम का वेट बहुत ज़्यादा है तो ऐसी जगह इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बांस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पानी के संपर्क में आते ही फूलने लगता है। जब बांस पर गीला कंक्रीट डाला जाता है तो उसकी नमी से वो फूल जाता है। इस वजह से कंक्रीट में दरार पड़ जाती है। बांस की इसी कमी को दूर करने के लिए दुनिया भर में ऐसे तरीके ईजाद किए जा रहे हैं जिससे बांस को टिकाऊ बनाया जा सके। लिहाजा पक्की इमारतों के निर्माण में बांस का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। और तो और ये तस्वीर भी इलाहाबाद की नहीं है, लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में इलाहाबाद में नाले के निर्माण में बांस का इस्तेमाल होने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। पिछड़ी जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन एक वायरल मैसेज का दावा है कि आरक्षण के नाम पर अयोग्य लोगों को नौकरी दी जा रही है। क्या फिजिक्स में फेल होने वाली अनुसूचित जनजाति की एक उम्मीदवार राजस्थान में फिजिक्स की ही लेक्चरर बन गई? इस वायरल खबर में पेच क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजे की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये रिजल्ट अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाली एक उम्मीदवार सविता मीणा का है। सामान्य ज्ञान में इन्हें 15.79 अंक मिले हैं और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में 0.68 अंक, मात्र 0.68। आमतौर पर 100 में से 33 अंक लाने वाला पास माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि फिजिक्स में महज 0.68 अंक लाने पर भी फिजिक्स के लेक्चरर के तौर पर नियुक्त हो गई सविता मीणा। वजह आरक्षण। बहन सविता मीणा को लेक्चरर बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में फिजिक्स के पेपर में 300 में से 0 अंक लाने वाली बनी फिजिक्स की लेक्चरर। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस रिजल्ट की ही जांच की। पूरी संभावना थी कि ये रिजल्ट फर्जी होता, इसलिए हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर वायरल मैसेज में दिए रोल नंबर और जन्म की तारीख के जरिए सविता मीणा नाम की उम्मीदवार का रिजल्ट जानने की कोशिश की। आरपीएससी की वेबसाइट पर हूबहू वायरल मैसेज वाला रिजल्ट हमारे सामने था। अनुसूचित जनजाति से आने वाली सविता मीणा नाम की उम्मीदवार ने 2015 में वाकई राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी और फिजिक्स में उन्हें 0.68 अंक ही मिले थे। लेकिन 3 साल पुराने रिजल्ट का अब वायरल होने का क्या मतलब है? इसलिए अब हमने अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग से संपर्क किया। काफी कोशिश के बाद आयोग की उप सचिव दीप्ति शर्मा ने फोन पर हमसे बात की। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के कोटे में सविता मीणा का चयन हुआ है। ये नियम सरकार के हैं। आयोग ने चयन में उन्हीं का पालन किया है। आरक्षित श्रेणी में परीक्षार्थी कम थे और खाली सीट के मुताबिक ही उम्मीदवार की नियुक्ति की जाती है। परीक्षा में न्यूनतम अंकों की सीमा नहीं होती है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने तो नियमों का हवाला दे दिया, लेकिन लेक्चररशिप के लिए पेपर देने वाली एक उम्मीदवार फिजिक्स में 0.68 नंबर लाए, इसके बावजूद चुन ली जाए और पढ़ाने के लिए भी उसे विषय मिले तो वो जिसकी उसे खुद ही जानकारी ना हो। क्या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सीट भरने के लिए किसी तरह की न्यूनतम योग्यता की शर्त नहीं होती? क्या किसी को भी पोस्टिंग मिल जाती है? आरक्षित कोटे में नियुक्ति के इस नियम को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एसजी हुसनैन से बात की। अगर कंपटीशन में भी कोई मिनिमम मार्क्स सिलेक्शन के लिए फिक्स है, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 45 मान लीजिए और जनरल के लिए 50, तो उसके नीचे अगर किसी की मेरिट जाती है तो वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो अगर जनरल कैटेगरी की भी जो लिस्ट बनेगी, अगर कोई 10-15 भी पाता है तो भी सिलेक्ट हो जाएगा अगेंस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी। भर्ती के वक्त न्यूनतम अंकों की एक सीमा तय की जाती है। जो उम्मीदवार न्यूनतम से ज्यादा अंक लाते हैं उन्हें नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन अगर सीट ज्यादा हो और न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवार कम तो बची हुई सीटें अगली बार रिक्तियों में जोड़ दी जाती हैं। अगर न्यूनतम अंकों की सीमा ना हो तो सारी सीट भरने तक ज्यादा से कम अंकों के क्रम में उम्मीदवार का चयन होता है। अगर सभी सीटें नहीं भरती तो 10 अंक लाने वाले उम्मीदवार को भी सीट मिलेगी, क्योंकि न्यूनतम अंक की कोई सीमा ही नहीं है। यही नियम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर भी लागू होता है। कट ऑफ न होने की सूरत में महज 10 नंबर लाने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को भी नियुक्ति मिलती है। वायरल मैसेज में सविता मीणा के सिर्फ फिजिक्स में मिले अंकों को उजागर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आरपीएससी की परीक्षा में सविता मीणा को कुल 16% अंक मिले थे। भर्ती के वक्त सविता मीणा बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले आगे थी, इसलिए उनका चयन किया गया। आरक्षण के लिहाज से इस खबर को देखना सही नहीं है। सविता मीणा की नियुक्ति आरक्षण की वजह से नहीं, बल्कि आरपीएससी की परीक्षा में न्यूनतम अंकों की सीमा लागू न होने की वजह से हुई। हाँ, लेकिन वायरल हो रहे इस नतीजे की तस्वीर और सविता मीणा की नियुक्त होने की खबर पक्की जरूर है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो राष्ट्रगान बजने के दौरान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो शख्स राष्ट्रगान का सम्मान ना करे वो राज्यपाल के पद पर कैसे रह सकता है? क्या वाकई राष्ट्रगान का अपमान कर चुके हैं कर्नाटक के राज्यपाल? राजभवन के कार्यक्रम में राष्ट्रगान बज रहा है, लेकिन अचानक मंच पर खड़े कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला चलने लगते हैं। सब लोग सावधान की मुद्रा में अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन राज्यपाल को जाने कौन सा काम याद आ गया और वो भवन से जाने लगे। ये भी भूल गए कि राष्ट्रगान बज रहा है। तब लोग राज्यपाल को देखते रह जाते हैं। राजभवन का एक कर्मचारी तो राज्यपाल को बीच राष्ट्रगान में चलता देख हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आता कि वो राज्यपाल के पीछे जाए या फिर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा रहे। मगर राज्यपाल दरवाजे की ओर बढ़ते रहते हैं। कुछ सेकंड बाद अचानक राज्यपाल पलटते हैं और अब वापस मंच की तरफ जाने लगते हैं। शायद किसी ने राज्यपाल को उनकी भूल का एहसास कराया, लेकिन तब भी राज्यपाल वही खड़े नहीं होते, बल्कि अब मंच पर जाने लगते हैं। इस वीडियो में सुनाई दे रहा राष्ट्रगान हम आपको नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक अधूरा राष्ट्रगान नहीं सुनाया जा सकता। राज्यपाल वजुभाई वाला ने कर्नाटक में बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे छूटी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन कांग्रेस जेडीएस गठबंधन बहुमत होने का दावा कर रहा था। इस कड़ी में अब सोशल मीडिया राज्यपाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी कर्नाटक के राज्यपाल राष्ट्रगान का अपमान करते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल ने किया राष्ट्रगान का अपमान। राज्यपाल राष्ट्रगान पर चलने लगे, खुद देखे वीडियो, राज्यपाल को बर्खास्त करें। लेकिन सवाल ये है कि मामला हुआ कब? क्या ये हाल ही का मामला है? हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये मामला अभी का नहीं बल्कि 3 साल पुराना है। मार्च 2015 में राजभवन में कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रगान बजा, लेकिन राज्यपाल वजुभाई वाला उस दौरान चलने लगे। हालांकि बाद में वजुभाई वाला ने इस घटना को अनजाने में हुई गलती भी बताया, लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में उनके राष्ट्रगान के दौरान चलने की वायरल खबर सही साबित हुई। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, मौत को भला कौन टाल पाया है?
लेकिन सोशल मीडिया पर एक कथित डॉक्टर का दावा है कि ये इंसान को मौत के मुंह से निकाल लाते हैं, इनके इलाज से मुर्दा भी जिंदा हो उठता है। क्या ये झोला छाप डॉक्टर का सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है? कौन है ये डॉक्टर जो प्रकृति के नियम को तोड़ने का दावा करता है? क्या कोई इंसान असंभव को संभव कर सकता है? क्या कोई शख्स प्रकृति का नियम बदल कर रख सकता है? क्या इंसान मौत को भी हरा सकता है? क्या मरने के बाद भी किसी शख्स को जिंदा किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर इस शख्स का दावा है कि ये मुमकिन है। नाम है डॉक्टर मुन्ना तिवारी। इनका दावा है कि ये मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते हैं। हिंदू धर्म में कहानी खूब सुनाई जाती है। कहते हैं कि पतिव्रता सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी, लेकिन वो तो एक कहानी थी। असल जिंदगी में ऐसे चमत्कार नहीं होते। मगर इन साहब का दावा है कि मुर्दे में जान फूंकना इनके लिए चुटकी का खेल है। इस कथित डॉक्टर के दावे पर हंसी आती है। भला मरकर कौन जिंदा हुआ है? वायरल मैसेज के दावे पर विश्वास करना कतई मुमकिन नहीं था। हम पता करना चाहते थे कि क्या वाकई मुन्ना तिवारी नाम का कोई डॉक्टर है भी, या सोशल मीडिया पर कोई मजाक चल रहा है। वायरल मैसेज में दिए पते पर हम अहमदाबाद के नरोडा के इस मकान में पहुंचे, जहां मुन्ना तिवारी कुछ दिन से किराए पर रह रहा है। मुन्ना तिवारी के पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं, बल्कि वो तो किसी बेकरी में काम किया करता था, लेकिन अब उसने डॉक्टर का ये बोर्ड लगवा लिया है। मुन्ना तिवारी का दावा है कि वो अपनी ताकत से आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है, और तो और वो दो लोगों को जिंदा भी कर चुका है। लेकिन जब हमने मुन्ना तिवारी से इन लोगों की जानकारी मांगी तो उसने बात घुमा दी। 20 मिनट हमारे लिए बहुत है। जिंदा 20 मिनट में आप जिंदा कर दोगे? 20 मिनट में जिंदा कर दूंगा उसको। कितने लोगों को आपने अभी तक जिंदा किया है? कितना काम किया है? दो केस हमारे उठ चुके हैं। दो केस उठ चुके हैं। तीसरे केस पे हमने फोटो खिंचाया। ये पोस्टमार्टम की लाश नहीं लेता हूँ, इसके लिए कि वो किडनी निकाल लेते हैं पोस्टमार्टम कर करके, फिर इंसान जिंदा नहीं होता है, चल नहीं पाएगा। मगर मुर्दे में जान फूंकने का ये चमत्कार होता कैसे है, तो इस बारे में मुन्ना तिवारी जी अपने पत्ते नहीं खोलते। हाँ, लेकिन काम जीवन दान देने का है तो मुन्ना तिवारी की फीस भी मोटी तगड़ी है। 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 जैसा केस होगा। बेकरी का काम छोड़ दिया, मरे हुए इंसान को जिंदा करूंगा, एक दिन कमा के लाऊंगा, 2 दिन बैठ के खाऊंगा, 4 दिन बैठ के खाऊंगा, और इस धंधे से हम आगे बढ़ेंगे। मुन्ना तिवारी जी की बातें आपको अनाप शनाप लग रही होंगी। मरने के बाद किसी को जिंदा करने का दावा कोरी कल्पना है, लेकिन ये तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा रहस्य तो अब खुलने वाला है। मुन्ना तिवारी का दावा है कि वो इंसान ही नहीं है, वो मानव शरीर में साक्षात भगवान का अवतार है। अपने मुंह से अपने को भगवान नहीं कहा जाता है। दुनिया की कोई भी शक्ति की ताकत नहीं है जो हमारा बांधा हुआ रास्ता काट सके। अगर गैर कानूनी है तो पुलिस तो आएगी, पुलिस आपको पकड़ेगी तो क्या करोगे? जब हम उसको करने देंगे तब। हमें ओम हरि भगवान कहते हैं। ये धरती हमारी बनाई है, वो ब्रह्मलोक हमारा बनाया है, ये मन स्वरूप को उतार दिया हुआ हमारा है। ये मुर्दा तो जो जिंदा करूंगा, ये तो करूंगा ही करूंगा, और तुमको समंदर में धरती बना के दिखाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद हमारी पड़ताल में ही सामने आ गया मुन्ना तिवारी के दावों का दम। न्यूज 18 इंडिया से बात करने के बाद से मुन्ना तिवारी अपना मकान खाली करके फरार हो गया है। अब वो अपना फोन तक नहीं उठा रहा, पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। हालांकि मुन्ना तिवारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको सुझाव देता है कि सड़क पर चलते किसी झोला छाप की बातों में ना आए। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में मरे हुए इंसान को जिंदा करने का दावा सरासर गलत साबित हुआ है।